ये मुझे मिला है बेसिकली फॉर द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, जो हमारा टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो मैंने इसको सिद्ध किया है कुछ 10 साल पहले। ये डांसर्स जो हैं, जो अच्छे हैं, उनको अच्छी तालीम देकर उनको अपना एक प्रोफेशनल करियर देने की हिम्मत देता है। एंड हमने इस इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे अनगिनत सितारे निकाले हैं, जैसे शक्ति, पुनीत, मयूरेश, सब जो आजकल हमारे इंस्टीट्यूट से ही निकले हैं। और बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में पास होकर अभी झलक और नच बलिए वगैरह वगैरह शोज़ में जज करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा इंस्टीट्यूट एक मात्र इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इतना काम किया है उन बच्चों के पीछे, और उनकी सफलता के पीछे ट्रेनिंग है। एंड द गुड ट्रेनिंग इज़ व्हाट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा एक गुड टीचर, एक गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह से मिले। मुझे अमेरिका जाना पड़ा, मुझे यूरोप जाना पड़ा, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी आउट ऑफ इंडिया। तो जब मैंने ये सब सीखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना why don't we create an institute which can do exactly what happens abroad in a very professional way. So the professional training institute hamara hai that is churned out the maximum number of artists and dancers, and I'm very proud of that. Aur isi ka khitab mila hai is award ke zariye. Hum chahenge ki hamara jo leader ho wo definitely make sure ki har insaan jo hamare desh mein hai usko basic cheeze like pani, roti kapda makan jo hai wo bahut important, aur kaam ये मिलना बहुत ज़रूरी है। ये अगर 4 चीज़ें हो जाए लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, घर, सड़कें, एजुकेशन कैन कम लेटर, बट द बेसिक्स अगर सबको मिल जाए, सबको, इट्स योर बर्थ राइट। आई थिंक इट्स हम उस लेवल पर हम भी इन 21st सेंचुरी के 22nd सेंचुरी में है। तो आई थिंक हम इतनी तरक्की कर चुके हैं और हमारे में इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए ना जिए लेकिन पूरे हमारा पूरे जो संसार है, पूरे जो लोग हैं, एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, हमारे जो पक्षी है, जो प्राणी है, जो पानी है, एवरीथिंग हैज टू बी कंजर्व, नॉट जस्ट अस। इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ऑफ कोर्स फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, बट ऑल्सो अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, द नेचर, द क्लाइमेट। अगर इन सब चीज़ों को लेकर मद्देनजर रखे साइंटिफिकली, और यू नो समबडी हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू काइंड ऑफ मेक इट, हु कैन पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, इफ दैट काइंड ऑफ अ लीडर कम्स इन फ्रंट एंड लीड्स द कंट्री, इट विल बी ग्रेट। मोस्ट मुझे मैं बता देती हूँ, आज मुझे मोस्ट एडमायर्ड लीडर इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। अर्थात ऐसा लीड करने वाला, लीडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गई, नेता, एक नेता जो कि बहुत ही प्रिय हो लोगों को एंटरटेनमेंट की फील्ड से। सो उसका अवार्ड मिला है। एंड इट्स वेरी नाइस, आई मीन इट फील्स गुड जब आप काम कर रहे हो और आपके काम को सराहा भी जा रहा है, साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि आप अपने काम को अच्छा कर रहे हो, अच्छे एग्जाम्पल्स छोड़ रहे हो। सो दैट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मुझे लगता है पॉपुलैरिटी मोहमाया है, सच है लोगों का प्यार। पॉपुलैरिटी मैं कभी नंबर्स में नहीं देखती कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, या पता नहीं, कभी मुझे वो एक जो थ्रिल होता है ना कि अब इतने फॉलोअर हो गए, वो थ्रिल नहीं मिलता। मुझे थ्रिल इस बात का मिलता है कि इतने लोग मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब लोग मुझे बताते हैं कि दिव्यांका हमने आपको देखा कि आप और आपके हबी ऐसा ऐसा कर रहे थे, एंड वी वांट अ हस्बैंड लाइक यू, वी वांट अ रिलेशनशिप लाइक योर्स, लाइक दैट ऑफ योर्स। या जब लोग कहते हैं कि आपका बिहेवियर में कोई चीज़ अच्छी लगती है और हम वो फॉलो कर रहे हैं, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। सॉरी शो आपका इतना सुपर हिट है, आपने डांस में भी आपने पॉपुलैरिटी हासिल की है, अवार्ड, क्या फिल्मों में आई विश कि कुछ अच्छा सा मिले। शायद प्रोड्यूसर्स मुझे देख नहीं रहे ठीक तरीके से, डायरेक्टर्स भी, और जब भी ऑफर देते तो तभी देते जब कुछ हैवी ड्यूटी ट्रैक चल रहा होता है ये मोहब्बतें में। सो आमतौर पे आई हैव नेवर बीन एबल टू टेक अप एनी गुड शो। हूँ, बट यस आई एम ओपन फॉर मूवीज, समथिंग रियली गुड, कुछ अच्छा कैरेक्टर हो देन आई वुड डेफिनेटली। कोई ऐसा आपका ड्रीम रोल जिसे आप बड़े पर्दे पर निभाना चाहती हो, या फिर कोई बायोपिक आप निभाना चाहती हो? आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट ऑफ एनी ड्रीम रोल्स एज सच, क्योंकि मैं खुद लेखिका हूँ नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कितना कितनी खूबसूरती से कोई किरदार लिखा जा सकता है, लेकिन हाँ मुझे ये आकलन करना आता है, जब कोई बताता है, नरेट करता है एक स्टोरी, तो अगर मेरे रोंगटे खड़े हों, आँखों में पानी आ जाए, या मेरा दिल कहे कि बस यही है वो, जैसे कि मोहब्बतें में मेरे साथ हुआ था, ऐसा कुछ होगा तो वो मेरे लिए ड्रीम रोल है। सो आपने इतनी सारी बातें जो भी बोली कि मेरे पति आए तो डांस कॉम्पिटिशन जीत गए, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, अवार्ड्स और भी बहुत सारे मिल रहे हैं, और ये भी अवार्ड मिला, there you go so he's definitely my lucky mascot। विवेक है मेरे लकी मैस्कॉट, वो जब से ज़िंदगी में आए हैं, खुशियों की बाहर आई है, नज़र ना लगे। मैं आमतौर पे मैं बता दूँ, ये इंटरनल सीक्रेट है, मैं खुद की और उनकी नज़र उतारती रहती हूँ टाइम टाइम में, बिकॉज जब आप बहुत खुश होते हो, यू डोंट वांट इट टू गेट हैम्पर्ड, आप नहीं चाहते हो कि, बल्कि मेरे दिल से दुआ निकलती है एवरी एक्टर एक्ट्रेस, एवरी नॉर्मल गर्ल, especially all girls, they should get this happiness। हर लड़की बहुत खुशी deserve करती है, एक अच्छा partner deserve करती है हर लड़की। There's no good bad girl, every girl is amazing and they all deserve this happiness। So मैं wish करती हूँ कि ये जो मुझे जो महसूस हो रहा है, ये सबको महसूस हो। नहीं, अभी ऐसा हम बिल्कुल प्लान नहीं करें, अगर हम ऐसा ऑब्वियसली ये तो अच्छा लग रहा है जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी गोद कब भरेगी। आई थिंक वी शुड वेट, बिकॉज अभी अभी तो हम दोनों का एक साथ ही ना एक हमारी जर्नी चालू हुई है, अभी हमारा एक ही साल हुआ है, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, उनके साथ और वक्त बिताना चाहूँगी, और थोड़ा सा और अच्छे से काम करना चाहूँगी, उसके पश्चात ऐसा कुछ सोचेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर एक बार बेबी आ गया दैन आई वुड नॉट बी एबल टू वर्क एज मच, सो मैं थोड़ा कम काम करूँगी उसके बाद, इसलिए मैं भी अच्छे से दिन भर के काम करना चाहती हूँ। आई थिंक टेलीविज़न के होराइजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब टेलीविज़न पहले जैसा टिपिकल नहीं रहा है, ख़ास करके अगर मैं हमारे शो की बात करूँ, ये मोहब्बतें, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि हमारे शो में भी हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, स्टिल इन अ रियल जोन। और जब टेलीविज़न इतना बढ़ चुका है कि हर बड़ा फिल्मी सितारा आता है और हमारे टेलीविज़न में आके अपने आप को प्रमोट करता है, हम बोलते हैं हाँ भाई ये फ़िल्म अच्छी है, इसे खरीदो, तो फिल्म बिकती है। आज वो वैल्यू है हम सब टेलीविज़न आर्टिस्ट्स की, हमारे टेलीविज़न की। सो जब वो वैल्यू हमारी है, तो असल में मैं एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि हर टेलीविज़न आर्टिस्ट को फिल्म की दौड़ की तरफ भागना भी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब तो ये छोटा तालाब रहा भी नहीं, ये सागर हो चुका है हमारा टेलीविज़न, और आप अगर यहाँ चमक रहे हो तो आपको हर फिल्मी सितारे की फैमिली भी बैठकर देख रही है अपने अपने घर में। आप जो कर रहे हो गर्व के साथ करो, और वही मैं करूँगी। आई ऑलवेज फील गुड। मैंने अब तक जितने भी मैं बड़े सितारों से मिली हूँ, किसी ना किसी का परिवारजन मुझे देख रहा होता है, हमें पसंद कर रहा होता है, और इससे वो एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई टेलीविज़न बहुत बड़ा है, हम नहीं जानते उसकी वैल्यू, क्योंकि हम खूब मंडुक हो चुके होते हैं, कुएँ के मेंढक, हम पर्दे के उस पार अपने सेट पर बैठे रहते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारी क्या वैल्यू है, लेकिन जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पता चलता है, बहुत अच्छा लगता है। Lastly, I want to ask how much are you excited for Lipstick Under My Burkha? People are saying it's a revolutionary movie. I am really excited for Lipstick Under My Burkha. I've even promoted the film, और it is amazing. उसके मैंने teasers भी देखे हैं। उसके teasers में इतना नयापन है। जब मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई ये तो मुझे अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी लड़के फ्रेंड्स हैं, सारे भाइयों को, सबको दिखाना चाहिए। मैंने अपने भाभी को भी दिखाया, मैंने कहा देखो ये है रेवोल्यूशन जो कि एकता कपूर ने क्रिएट किया है। क्यों भाई एक औरत को क्यों जज किया जाता है? कल ही मेरी किसी से बातचीत चल रही थी कि हम कार चला रहे थे, मतलब मैं कार में पीछे बैठी थी, और जिक्र हुआ कि देखो वो गाड़ी फंस गई है, औरत चला रही है ना, ये लेडीज़ ना, ये लोग तो देखा। बाय द वे कल जब मैं आ रही थी अपने स्टूडियो से, तब एक आदमी ने भी ऐसी गाड़ी फंसाई थी, उसको तो हमने कुछ नहीं बोला, आदमी आदमी है ना, अलाउड है, औरतों को क्यों नहीं। देखो औरतों को भी उतनी गलतियाँ करना अलाउड है और उतने ही अच्छे काम औरतें कर सकती हैं, शायद ज़्यादा अच्छे। So I'm a total feminist and I'm all out for this film. She is एकता कपूर के लिए जितने शब्द कहे जाएँ कम है। I'm sorry, not because she's my producer. दो चार अच्छे शब्द कहने से मुझे ज़्यादा काम नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो एक पाथ बनाती हैं, क्रिएट करती हैं और उस पर हज़ारों करोड़ों चलते हैं। दैट इज़ हाउ शी इज़। वो उनकी जो सोच है वो इतनी आगे है समय से कि जब तक मैं बाकी लोग कैचअप करते हैं, बाकी के प्रोड्यूसर्स, टेलीविज़न या मैं वापस बोलती हूँ, उनकी सोच इतनी आगे कि जब तक मैं बाकी लोग उनकी सोच के साथ कैचअप कर पाते हैं, जिस तरह की वो शोज़ बनाती हैं, तब तक में वो आइडिया पुराना हो चुका होता है। बिकॉज everything she experiments and it's a hit. So she has that knack, you know. She's a great businesswoman. Second, she's a very good person. जो लोग उन्हें नहीं जानते वो आमतौर पे सोचते रहते हैं कि वो शख्स कैसी होंगी, पर कमाल की शख्सियत है उनकी और मैं जितना बोलूँ कम है। उनमें एक आत्मीयता है। कभी अगर हमेशा होता है इंडस्ट्री में या कहीं भी आप काम करते हैं, किसी न किसी के साथ ट्रिप हो जाती है। एक अकेली वो ऐसी शख्स है जो जिन्हें मैंने देखा है जिससे लड़ाई भी हो जाए ना, उसके बाद भी उन्हें काम देती हैं। वो हटके। आई लव एकता। Why not? She's a very difficult character to play. I must say that. अगर मुझे उन्हें प्ले करना हुआ तो शायद मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहूँगी, उनको देखते हुए पहले। But yes, she is outstanding. Thank you so much and wish you all the best.